Latin नहीं आती जोर लगाते रहते हैं जोर लगाते जोर लगाने से क्या होगा गुदा में स्क्रैच हो जाएंगे जलंधर चुवने लग जाएंगे नशे जो होती है मोरडवीन फूल जाती हैं, और पाइल्स के लाती है

अच्छा मौके बन जाएंगे मौके बनेंगे लैटिन टाइट आएगी तो मौके छिलेंगे तो ब्लड भी आएगा जलन दर्द रहेगा पीड़ा होगी काफी लैटिन साफ नहीं आएगी लेट सोना है मोबाइल का ज्यादा यूज करना है काफी काफी देर तक लाइट में बैठे रहना है और गर्म मसाले लेना या नशा करना बेसिकली कब्ज और पेट की गर्मी के कारण ही बवासीर बनती है मैं देखता हूँ पंजाब में लोग नशा तो है ही साथ में क्या करते हैं बर्फ डाल के ड्रिंक करते हैं और ऊपर से फिर भाई लाओ भाई मटन लाओ गर्म लाओ ठंडा गर्म हो जाता है वो भी तो पेट के लिए नुकसानदायक है ना सर बिना ऑपरेशन बिना चीर फाड़ के शार सूत्र विधि द्वारा इलाज किया जाता है थ्रेड उसको हम डाल देते हैं जो हीलिंग भी करता है होता है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है डब्ल्यू एच ओ द्वारा नाइनटी एट पॉइंट फोर परसेंट उसको इसकी तो, तो कोई लिमिट ही नहीं है सर, no सर नो लिमिटेंटिकता तो है काफी बच्चे आते हैं शर्माते हैं छोटी मोटी बीमारी मान के छोटी मोटी मेडिसिन ले ली बेदकीम से मिल ली छोटी मोटी दवाई लेने से कुछ समय के लिए टेम्परे रिलीफ हो जाता है पेशेंट उसको डिले करता रहता है डिले करते करते आगे जाके वो कैंसर रूप ले लेती है जो हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है और हॉस्पिटल की अपेक्षा बिल्कुल अलग है चाहे तो ऑपरेशन भी करा सकते हैं और ऑपरेशन का जो सक्सेस रेट होती है वो काफ़ी कम है और हमारी जो सक्सेस रेट होती है के नहीं होती। भी नहीं उसके लिए हमारे लेडीज डॉक्टर की आबादी है नब्बे परसेंट को, पर का को पायल्स जैसी समस्या हुई शुगर जैसी समस्या हुई बीपी की समस्या है ये कॉमन हो चुकी है कितना खर्चे वाला ट्रीटमेंट है की ये बाकी अफोर्डेबल है ऑपरेशन के लिए चले जाओ पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन दो सौ रुपए में हम बता देते हैं प्रोटोस्कोपी करके वही चीज कोलोनोस्कोपी में पांच छह रुपए के टेस्ट होता है कान दो सौ रुपए का छह हजार हमारे नॉर्मल सी जांच हो जाती है ट्रीटमेंट से पहले ही होते हैं जांच करके हम ट्रीटमेंट कर देते हैं जो आपको उसे नहीं देख सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क इलाज है दवाई भी हमारी तरफ से दी जाएगी और जो हम ट्रीटमेंट करते हैं लेजर या ठंडी मशीन जो भी होगा बिल्कुल निःशुल्क फ्री इलाज दिया जाए बिल्कुल फ्री हरियाणा से पेशेंट आते हैं हिमाचल से भी आते हैं और पूरे पंजाब से पेशेंट है हिमाचल प्रदेश के बच्चे हिमाचल से है मानसा से आगे। आगे। अम्बाला से पानीपत से मानसा से सभी जगह से पेशेंट हमारे पास आते हैं की आते भी दिक्कत होती होगी वो फिर किस तरह मैनेज कर देखो जी वैसे तो हमारे दस से पंद्रह मिनट का ऑपरेशन प्रोसीजर होता है इलाज करके फ्री कर देते हैं पंद्रह मिनट हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं फिर भी जो हमारे भाई है बहने इतनी दूर से आते हैं थक जाते हैं उनके लिए हमारे यहाँ रहने की खाने की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੰਨਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਤਾ ਪਾਈਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ ਸਸ਼ੀਕਲ ਜੀ ਸਸ਼ੀਕਲ ਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਵਾਸਿਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਵਾਸਿਰ ਕੇ ਜੋ ਹੋਣੇ ਕੇ ਮੁੱਖੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਪਰ ਜਿਸਮ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਾਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾ लेट सोना है मोबाइल का ज्यादा यूज करना है ठीक है काफी काफी देर तक लेट में बैठे रहना है और गरम मसाले लेना या नशा करना ठीक है यानी कि बेसिकली कब्ज और पेट की गर्मी के कारण ही बवासीर बनती है जी आ, सर पहले कहते सी कि, कि जड़ी बवासीर सिर्फ मिर्च खाने के नाल होती है एक्सेसिव विच मिरचा बहुत ज्यादा इंसान खांदा कि वाकई सिर्फ मिर्च दे नाल ही ज्यादा स्पाइसेस खाने दे नाल ही बवासीर होती है या और भी फैक्टर्स देदे हुंदे ने देखो जी इसके कारण तो बहुत सारे हैं मिर्च के कारण तो होती ही होती है जैसे लोग ज़्यादा चटपटा खाते हैं मसाला खाते हैं मेन कारण जो है मैदा देखते हैं बच्चे आजकल मोमोज है स्प्रिंग रोल है बाहर जाते हैं चाउमीन जो है, मैदा ही तो है मैदा क्या करता है पेट में गर्मी करता है हमारे हाथों में सोजिश पैदा करता है क्योंकि जो मल में चिकनापन होता वो तो होता ही नहीं है अब जोर लगाएगा बच्चा तो क्या होगा मौके बन जाएंगे मौके बनेंगे लैटिन टाइट आएगी तो मौके छिलेंगे तो ब्लड भी आएगा कभी आएगा और कभी बंद हो जाएगा जलन दर्द रहेगा सोच के समय पीड़ा होगी काफी लैटिन साफ नहीं आएगी नहीं। 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 सर ने जो किसी लगता है कि उस बाबा सिर हो रही है उसके होते हैं देखो जी मेन जो कारण है इसके लक्षण जो नजर आते हैं गोदा में जलन रहना दर्द रहना खून आना मौके बन जाना कब्ज रहना लेटरिन करते समय पीड़ा होना जैसे जलन होती है लोग पेशेंट पे नहीं। नहीं। है, जलन रहती है खुजली होना या पस बनना नहीं। नहीं। ये बवासीर फिशर के सेम लक्षण है जी। फिशर, चीज़ फिशर फिशर जो होता है जैसे लैटिन टाइट आने से जोर लगने से गुदा में जख्म का हो जाना उसमें जब लैटिन फंसी रहती है कचरे की तरह उसमें जलन चोवन मिर्ची लगी रहती है उसको बोलते हैं फिशर जी 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 जो ये हो जाती है तो दे इलाज की होंगे जो फिशर जो किसी हो गया है उसका इलाज की है कि देर दे ठीक हो जाता बंदा देखो जी फिशर का तो दस से पंद्रह मिनट का हमारे यहाँ टेस्टिंग में लगता है दस से पंद्रह मिनट का हमारे यहाँ इलाज होता है हाँ। और साथ के साथ फिशर को जो जलन जलंधर जो होता है हाँ। वो साथ के साथ ठीक हो जाता है पेशेंट को अब जो फिशर का मतलब जख्म है तो उसको डायलेट कर देते हैं उसको हीलिंग होने में हफ्ता भर लग जाता है सर uh, ये जे ट्रीटमेंट है किस तरह होंगे कि कोई अजक लेटेस्ट मशीन्स ने कि टेक्नोलॉजी के नाम होंगे कि किस तरह होंगे ने ये देखो आपका काफ़ी अच्छा गुड क्वेश्चन है।, है जो हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है और हॉस्पिटल की अपेक्षा बिल्कुल अलग है, है। क्योंकि हमारे पास पेशेंट इतने आते हैं चाहे तो ऑपरेशन भी करा सकते हैं पर ऑपरेशन का जो सक्सेस रेट होती है वो काफ़ी कम है और हमारी जो सक्सेस रेट होती है 98.5 एट परसेंट दोबार होने की संभावना नहीं होती उसको मैं हंड्रेड परसेंट मानता हूँ क्योंकि ऑपरेशन में एक तो पेशेंट पेन ज़्यादा होता है एडमिट करना पड़ता हाँ। है और काफ़ी टेस्ट होते हैं हाँ। हमारे यहाँ हम बेसिकली जब पेशेंट आता है ओपीडी में दो सौ रुपये की स्लिप कटती है उसको हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं डिजिटल जांच कर लेते हैं देख लेते हैं पेशेंट को बवासीर है फिशर है बगंदर है कैंसर तो नहीं है ठीक है सेलन टैग तो नहीं है काफ़ी तरह के होते हैं हमारे रही हमारी टेक्नोलॉजी की बात हमारे यहाँ लेज़र द्वारा ट्रीटमेंट भी होता है ठंडी मशीन जो कि काफ़ी आजकल अच्छा रिस्पॉन्स है जिसका ठंडी मशीन ठीक है लेजर द्वारा हो गया ठंडी मशीन हो गया शार सूत्र हो गया अमेरिकन छल्ले होते हैं रबर बैंड होता है ठीक है सर और आईआरसी होती है जर्मन टेक्नोलॉजी हमारे कुल मिलाकर ट्वेंटी फोर टेक्नोलॉजी होती है पर बीमारी के अनुसार हमें डायग्नोज करने के बाद ही हम उसमें अप्लाई करते हैं सर किन्न बवासिर भी कोई अलग अलग प्रकार की होंगी चीज होंगी है या अलग अलग तरह की कोई होंगे नहीं देखो बवासिर दो तरह की मानते हैं ठीक है एक तो खूनी जिसमें कि खून कभी आता है कभी बंद हो जाता है ठीक है एक होती बादी जिसमें दर्द और जलन चुवन बना रहते हैं बवासिर वैसे फोर ग्रेड होती है पाइल्स की फर्स्ट ग्रेड में जो मौके होते हैं वो अंदर ही रहते हैं सेकंड ग्रेड में और बढ़ जाते हैं ग्रेड मौके बाहर आने लगते हैं हाथ से अंदर करते हैं कुछ पेशेंट या अपने आप ही चले जाते हैं, हैं। फर्स्ट ग्रेड में जो मस्से जो होते हैं सेकेंड ग्रेड में उनमें ब्लड आता है कभी आता है और कभी बंद हो जाता है पेशेंट को लगता है कि पेट की गर्मी के कारण वैसे ब्लड आ रहा है ठीक है यही बीमारी छोटी छोटी बीमारी आगे चल के, के कैंसर का रूप ले लेती है सर शब्द बगंदर एक ही चीज होती है बगंदर बेसिकली जो होता है होने का मुख्य कारण जो होता है पेशाब की बूंदों का लगना वो कैसी भी लग सकती है अगर कर पेशाब करते समय आप देखते हैं कुछ बूंदे हमारे अंडरवीर में लग जाती है उसके कारण भी हो सकता है पसीना आने के कारण भी हो सकता है या जैसे हम गर्मी आ गई है जो जीन्स वगैरह पहनते थे पहले हम सर्दी में ज़्यादा पहनते थे ठंड से बचने के लिए हम लोग गर्मी में ज़्यादा पहनते हैं उससे जो पसीना आता है बैठे रहे बैठे रहने के कारण भी होता है बालों के इन्फेक्शन के कारण भी होता है और सबसे बड़ा जो मेन कारण है इसका वो जैसे इंग्लिश सीट जो होती है उसे जैसे बच्चे पेशाब कर देते हैं पूरी तरह से उसको क्लीन नहीं करते ठंडा पानी डाल के बैठ जाते हैं तो मेरी आपके चैनल के रिक्वेस्ट ये है पहले उसे गर्म पानी से क्लीन करें उसको ड्राई करके जब भी उस पर बैठे और अब गर्मी आ गई है तो अंडरवियर बियर जो है सुबह शाम चेंज करें उसको अच्छे से साबुन से साफ़ करें थोड़ा हवा लगने दें थोड़े सूती कपड़े पहने ताकि बीमारी ना बने बगंदर का मतलब होता दो मुँह वाला फोड़ा मलद्वार के बाहर कई भी फुंसी बनती है पानी छतपी बर मुआद आता है कभी आता है कभी बंद हो जाता है उसमें ट्रैक बन जाता है जैसे पौधे की जड़ें फैल जाती है, इस तरह से फैल जाता है कई लोगों का मानना होता है कि बाल तोड़ हो गया पर वो बीमारी सबसे गंदी बीमारी होती है वो ऐसी बीमारी हो तो जल्दी से ठीक नहीं होती नहीं। उसके हमारे तो चिकित्सा होती है बिना ऑपरेशन बिना चीर फाड़ के शार सूत्र विधि द्वारा इलाज किया जाता है शार का मतलब होता है दवाई का नाम होता है और शार कई तरह के होते हैं फिटकड़ी भी शार है आपामार आप भी शार है शिनु भी शार है सूत्र में धागा होता है और थ्रेड उसमें हम डाल देते हैं जो हीलिंग भी करता है वो अल्कलाइन होता है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है डब्लू एच ओ द्वारा

વાયલ જે આસી સમસ્યા ہوئی یا સુગર જેસી સમસ્યા ہوئی હેના કે બીપી કે સમસ્યા હે ય કોમન હો ચકિયે સાબ સર લોગ નહિ લગતા કે બવાસીર નો શરમાન દેવી ને કે ડોક્ટર કોલે જાન દે વાસ્તે يا ડર દેને કે ઉના દી મતલબ ઇમેજ ના ખરાબ હો જાય એધા દેવી કોઈ કેસસ હોંગે દેખો જી કાફી બચ્ચે આતે હે ઓ શરમાતે હે પહેલે ક્યા હોતા ના પુરાને સમય મે લોગ જાગરૂક નહી થે લોકો કો પતા નહી થા तो छोटी मोटी बीमारी मान के छोटी मोटी मेडिसिन ले ली बेदकीम से मिल ली उससे क्या होता है छोटी तो मोटी दवाई लेने से कुछ के लिए टेम्परी रिलीफ हो जाता है पेशेंट उसको डिले करता रहता है डिले करते करते आगे जाके वो कैंसर रूप ले लेती है शर्माते इसलिए कि लोग इसको समाज में गंदी बीमारी मानते थे, थे पहले पर अब लोग जागरूक होने लगे हैं इलाज कर लेडीज वास्ते भी प्रॉब्लम ज्यादा आंदियां हो क्योंकि लेडीज़ नहीं कंफर्टेबल होंगे चेकअप कराने दे वास्ते देखो जी जेंट्स को क्या होता है अगर जेंट्स को प्रॉब्लम होती है और तुरंत डॉक्टर से मिल लेते हैं लेडी में भी छोटी सहन शक्ति होती है थोड़ा वो शर्माती हैं सोचती हैं जेंट्स डॉक्टर को दिखलाना ठीक नहीं लगता उसके लिए हमारे लेडी डॉक्टर हैं डॉक्टर सुखविंदर कौर मैम हैं जो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के लिए उनसे आके दिखा सकती है हमारी बहनें हैं माताएं हैं ठीक है वो कोई भी आके दिखा सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे और ये हमारे यहाँ जो है बिल्कुल प्राइवेसी रखी जाती है किसी प्रकार का वो नहीं है बिल्कुल शर्माने वाली बात नहीं है ये बिल्कुल ये बीमारी पायल्स फिशला फिशर बिल्कुल आम हो चुकी है जी ਸਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਡਰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਫੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੇਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਆਪ ਕਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਮ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ 200 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਸਕੋਪੀ ਕਰਕੇ कि उसमें कितने पाइल्स हैं फिशलर फिशर कौन सी ग्रेड की पाइल्स हैं वही चीज़ कोलोनोस्कोपी में उसको पाँच छः हज़ार रुपये के टेस्ट होता है कान दो सौ रुपये कहाँ छः हज़ार रुपये ठीक है उसके बाद हमारे यहाँ नॉर्मल सी जांच हो जाती है ट्रीटमेंट से पहले ही होते हैं जांच करके हम ट्रीटमेंट कर देते हैं और हमारे रीज़नेबल चार्ज होता है अब मान लो किसी पेशेंट को उन्हें दो बार या तीन बार ऑपरेशन करा चुका है या हाई फिशला है तो उसको तो अकॉर्डिंग टू डिजीज ही मैनेज करना पड़ेगा ना अब किसी किसी पेशेंट को देखते हैं है। कहते हैं डॉक्टर चार्ज बहुत ज्यादा है हाँ। उस पेशेंट को पायल्स भी होता है हाँ। फिशर भी होता है हाँ। फिशला भी होता है हाँ। है ना ये है सर जिस तरह कई जरूरतमंद भी पेशेंट आज जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं है, हाँ। हाँ। है, उनके लिए चार्ज में हम करते है, हाँ। अब कुछ पेशेंट आ जाते हैं सर ओडी में आ गए गाड़ी में ओडी में बैठ हाँ। कर आ गए अब इस तरह से आके कहने लगे है हम गरीब है तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा गरीब है क्या है क्या नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है स्टाफ भी होता है खर्चा भी होता है सर सब सब पता लगे इसके कि जो ब्लाइंड ने जो अखा तो नहीं देख सकते रोशनी नहीं हैगी उन्होंने वास्ते फ्री ट्रीटमेंट किया जाता है बिल्कुल निःशुल्क इलाज उन लोगों के लिए हाँ। जो आंखों से नहीं देख सकते हैं बिल्कुल हाँ। निःशुल्क इलाज है दवाई भी हमारी तरफ से दी जाएगी हाँ। और जो हम ट्रीटमेंट करते हैं लेजर या हाँ। ठंडी मशीन जो भी होगा बिल्कुल निःशुल्क फ्री इलाज दिया जाए बिल्कुल फ्री कोई पैसा ओपीडी भी फ्री मेडिसिन भी फ्री जो ट्रीटमेंट लेजर भी ट्रीटमेंट ऑपरेशन भी फ्री हमारे यहाँ ठीक है ये सेवा कदों तो शुरू की सोच के स्टार्टिंग से ही है अच्छा हाँ जी आ, आंदे ने फिर को तो वे काफी पेशेंट आते हैं काफी लोग हम ट्रीटमेंट भी कर चुके हैं और कुछ सेवादार होते हैं जो अपना भाई सेवा करते हैं उनके लिए भी चार्ज होते हैं उनके लिए फिफ्टी परसेंट होता है जो अपने सेवादार होते हैं, हैं उनके लिए सर लुधियाना के पेशेंट से आते इलाज हर एक स्टेट के पेशेंट आते हैं हरियाणा से पेशेंट आते हैं हिमाचल से भी आते हैं और पूरे पंजाब से पेशेंट हैं ये नहीं कि लुधियाना लुधियाना से हैं बठिंडा से पटियाला से ठीक है हिमाचल से हिमाचल प्रदेश के पर्ची हिमाचल से है, है ना मानसा से है ना हर एक तरह के पेशेंट आते हैं हमारे है। पास ऐसा नहीं है यहाँ अम्बाला से पानीपत से मानसा से सभी जगह से, से पेशेंट हमारे पास आते हैं है। पूरे जो मतलब बहुत स्टेट्स हाँ जी हाँ जी काफी स्टेट से पेशेंट आते हैं ਪਰ ਜੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ہمارا 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕਰੇ ਫੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਆਵੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੱਗਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ہمارے ਭਾਈ ਹੈ ਬਹਨੇ ਇਤਨ ਦੂਰ ਸਾਂ ਆਤੇ ਹੈ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੇ ਲਈ ਮਾਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸੂਲ ਕੀ دی ਜਾਏਗੀ ਹਾਂ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਫੈਸਿਲਟੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ देखो अब तो देखो खाना पीना तो रहा नहीं फिर भी मैं आपके चैनल नाम से अपील कर सकता हूँ क्योंकि एक तो आप पानी ज्यादा पिए लोग क्या होते हैं सोड़ते हैं पानी पी लेते हैं ठीक है ये करते हैं फिर है। पानी पीते हैं है। एक तो बिना कुरला पानी पीने से सलाव जो बनता है वो पेट के लिए अच्छा होता है ठीक है और दूसरा कि आप निवाया पानी पीजिए जैसे मौसम थोड़ा भी खराब हो रहा है अभी थोड़ा गर्मी से थोड़ा वैसे बुखार बुखुर गई चीज समस्या रही थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए बर्फ़ का पानी ना पीजिए कि बर्फ का दो तासीर होती, होती है गर्म होती है ठीक है फ्रूट्स ज़्यादा खाएं पपीता है चीकू है नारियल का पानी है सीजनल फ्रूट्स लें जैसे भी जामुन वगैरह आ जाएगी अभी कुछ समय की बात है अंगूर के बारे में ज़्यादा डिस्कस डिस्कशन रहा था मीडिया में तो जो अंगूरस वगैरह होता है उसको स्पेशली पानी के अंदर नमक डाल के धो के जब खाएं उसको ऐसे ना खाएं ठीक है वो बढ़िया रहता है शाम के टाइम खीरे का सेवन ना कीजिए जैसे कोई अनाज खाते हैं आप गेहूं का अनाज लेते हैं हम हम देखते हैं कई होटलों में देखते हैं हुए देखते हैं गेहूं भी ले, ले लेते हैं चावल भी ले, चावल ले, ले लेते हैं वो नुकसान करता है अच्छा। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं हो पाता ना एकदम हाँ। से पाचन क्रिया हाँ। तो जो अनाज सुबह आप खाते हैं तो हाँ। वही अनाज वो शाम को लीजिए शाम के दूध वगैरह ज़्यादा लीजिए खाने खाने से पपीता ज़्यादा लीजिए और लैटिंग करते समय ज़्यादा जोर ना लगाएं दो मिनट से ज़्यादा लेटरिन का करते समय और ना लगाएं और मोबाइल फ़ोन यूज ना करें अच्छा। कुछ पेशेंट क्या होते हैं लैटरिन बैठे रहते हैं मोबाइल यूज करते रहकर आधा आधा घंटा उसमें डिस्टर्ब रहता है उसमें ध्यान तो होता ही नहीं उसका

आजकल समय देखते हैं बच्चों का पेट साफ नहीं होता है नहीं। स्कूल में जाते हैं सुबह उठते ही है सीधा दूध या चाय जो भी पिया पानी वानी कुछ नहीं व्यायाम कुछ नहीं एक्सरसाइज कुछ नहीं है सीधा खाना खाया उसके बाद चले गए फिर वहां पूरे दिन सिटिंग वर्क रहता है वहां से आए सो गए खाना खाया फिर सो गए ठीक है क्योंकि एक्सरसाइज तो बच्चे कम करते हैं अब घूमना फिरना रहता नहीं पहले लोग सुबह उठते थे पानी पीते थे उस टाइम तो साधन नहीं होते थे वाशरूम तो बाहर जाते थे घूमना फिरना होता था उनका ठीक है पाचन ग्रह भी अच्छी रहती थी अब गुड़ की बात कर लो गुड़ भी अच्छा नहीं होता अब चीनी की बात कर लो ये भी जहरी है एक प्रकार का सफेद नमक बिल्कुल भी, भी जहरी है नमक यूज करें काला नमक यूज करें ठीक है शाम के टाइम खीरा मत लें ठीक है जी तो मतलब जो लिक्विड चीज ज्यादा लें जिससे कि पाचन क्रिया अच्छे से हो अब लोग क्या करते हैं मैं देखता हूं पंजाब में टीवी कभी कभार जब लग जाता देखते हैं लोग नशा तो है ही साथ में क्या करते हैं ड्रिंक कर ली बर्फ़ डाल के ड्रिंक करते आ, हैं और ऊपर से फिर भाई लाओ भाई मटन लाओ गरम लाओ ठंडा गरम हो जाता है वो भी तो पेट के लिए नुकसानदायक है ना सर मतलब ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने की जरूरत बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है सर मेन चीज के लिए फाइबरी डाइट ज्यादा लेनी आ, है जिससे कि आपका पेट साफ रहे लिक्विड चीजें ज्यादा लें जोर ना लगाए और अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें और सेहतमंद रहें क्योंकि पहला सुख है स्वास्थ्य शरीर निरोगी निरोगिक आया ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਦਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਸੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਲੁਧਿਆਣਾ